मॉड्यूल 155 है अबाउट इंटरलॉक्ड फंक्शंस हमने प्रीवियसली कुछ इंटरलॉक्ड फंक्शंस डिस्कस किए थे और हमने देखा था उनकी मदद से हम आटामिक ऑपरेशन के थ्रू अपने कंट्रोल वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं उसके अंदर हमने जो फंक्शंस डिस्कस किए थे वो इंटरलॉक्ड इंक्रीमेंट और इंटरलॉक्ड डिक्रीमेंट है और इन दोनों की मदद से हम अटोमिक ऑपरेशन परफॉर्म करके uh, अपने शेयड वेरिएबल्स को या तो इंक्रीमेंट करते थे या डिक्रीमेंट करते थे इसके अलावा इन दोनों के अलावा और कई इंटरलाक फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जिनके थ्रू हम uh, किसी भी शेयर्ड वेरिएबल के ऊपर कोई अटोमिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मुख्तु किस्म के अटोमिक ऑपरेशन हैं वो मुख्तु किस्म के एल्गोजम्स के अंदर यूज़ होते हैं यानी कि आप uh, म्यूचुअल एक्सक्लूजन या कंट्रोल इन्फोर्स करने के लिए उन एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं और उन एल्गोरिथम्स के अंदर इन इंटरलॉक फंक्शंस का यूज़ होता है इन इंटरलॉक फंक्शन से आप एक अटोमिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऑन अ सर्टेन वेरिएबल तो कुछ जो और मुख्तु किस्म के अटोमिक ऑपरेशन हैं उनकी हम डिटेल देखते हैं सबसे पहले है इंटरलॉक्ड एक्सचेंज ये एक और अटोमिक ऑपरेशन है इसके अंदर आपने दो पैरामीटर्स पास किए हैं एक रेफरेंस टारगेट और एक वैल्यू पास किया टारगेट की जो भी वैल्यू होगी प्रीवियस वो वाली वैल्यू जो है ये फंक्शन रिटर्न करेगा और उसको नई वैल्यू की असाइन हो जाएगी जो वैल्यू की वैल्यू है वो इसको असाइन हो जाएगी यानी कि फॉर एग्जांपल वैल्यू की वैल्यू टेन है और टारगेट की वैल्यू थ्री है तो आपने थ्री जहाँ भी स्टोर हुआ हुआ है उसका रेफरेंस पास किया और वैल्यू में आपने टेन प्लेस कर दिया इस तरह से कॉल किया जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये वैल्यू थ्री रिटर्न करेगा और टारगेट के अंदर नई वैल्यू क्या आगे होगी टेन जो वैल्यू के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो टारगेट को साइन हो जाएगी और टारगेट की जो प्रीवियस वैल्यू है ये फंक्शन रिटर्न कर देगा बिल्कुल इसी तरह का एक टेस्ट सेट का भी फंक्शन यूज़ होता है यानी कि जब हार्डवेयर ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं ऑफ़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन या कंकरेंसी को इन्फोर्स करने के लिए तो उसके लिए एक मशहूर एलगोरीदम है जिसको क्या आप टेस्ट सेट एलगोरीदम कहते हैं उसके अंदर टेस्ट सेट ऑपरेशन भी जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही ऑपरेशन है फिर ये एक और फंक्शन है इंटरलॉक्ड एक्सचेंज एड इसको आप एडेंड पास करते हैं एडेंड का रेफरेंस पास कर रहे हैं और साथ इंक्रीमेंट पास कर रहे हैं जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो एड की जो बी प्रीवियस वैल्यू होगी एडेंड के रेफरेंस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू प्रीवियस ये रिटर्न करेगा यानी कि एड के रेफरेंस के ऊपर अगर वैल्यू थ्री पड़ी हुई है और इंक्रीमेंट आपने रखा है फाइव तो ये फंक्शन थ्री रिटर्न करेगा और एड के अंदर नई वैल्यू क्या हो जाएगी एट यानी कि थ्री जो इसकी प्रीवियस वैल्यू थी और फाइव आपने जो इंक्रीमेंट उसको स्पेसिफाई किया था वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा इस तरह से एड के अंदर जो नई वैल्यू आएगी वो एट हो जाएगी प्रीवियसली हमने देखा था कि जी अगर हम इन इंटरलॉक्ड फंक्शंस के थ्रू एक वैल्यू को बाय टू इंक्रीमेंट करना चाहें तो हम इंक्रीमेंट को ट्वाइस नहीं कॉल कर सकते क्योंकि अगर ट्वाइस कॉल करते हैं तो फिर वो ऑपरेशन अटोमिक नहीं रहता लेकिन इस फंक्शन की मदद से हम टू का इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं टू का थ्री का या जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करना चाहें उसका इंक्रीमेंट कर सकते हैं और वो ऑपरेशन अटोमिक होगा फिर इसी तरह से एक और फंक्शन है इंटरलॉक्ड कंपेयर एक्सचेंज इसको आपने तीन वैल्यूज़ पास की हैं एक डेस्टिनेशन का रेफरेंस एक एक्सचेंज की वैल्यू और एक कंपेरेंट की वैल्यू अब नीचे ये एक एलगोदम की बन है ये इस एलगोरिदम के अकॉर्डिंगली इन तीनों चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लेकिन ये एलगोरिदम जिस तरह से इम्प्लीमेंटेड है अगर सी के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसको इंप्लीमेंट करें तो वो ऑटोमिक ऑपरेशन नहीं होगा फ़र्क ये है कि ये वाला ऑपरेशन जो है ये ऑटोमिक है ये एक सिंगल ऑपरेशन है इसके दौरान किसी किस्म की भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं पॉसिबल और ये ऑपरेशन होगा क्या कि डेस्टिनेशन की जो प्रीवियस वैल्यू है वो फर्ज़ करें कि टैंप के अंदर स्टोर हो जाती है और एंड में टेम्प रिटर्न होता है यानी कि डेस्टिनेशन की जो प्रीवियस वैल्यू है वो एंड में रिटर्न होगी और डेस्टिनेशन कंपेरेंट के साथ कंपेयर होगा अगर कंपेरेंट और डेस्टिनेशन की वैल्यू सेम है कंपेरेंट और डेस्टिनेशन की वैल्यू सेम है तो डेस्टिनेशन को नई वैल्यू असाइन हो जाएगी और वो नई वैल्यू क्या होगी एक्सचेंज की वैल्यू फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन के अंदर वैल्यू टू है कम्पेरेंट डेस्टिनेशन के रेफरेंस के अंदर वैल्यू टू है कम्पेरेंट के अंदर वैल्यू टू है और एक्सचेंज में वैल्यू है फाइव तो डेस्टिनेशन की वैल्यू इस वक्त डेस्टिनेशन के रेफरेंस पे पड़ी हुई वैल्यू इस वक्त टू है ये टेम्प के अंदर चला गया और डेस्टिनेशन के रेफरेंस पे पड़ी value, compare हुई वैल्यू कंपेरेंट से कंपेयर हुई कंपेयर्ड के अंदर भी वैल्यू टू है तो दोनों बराबर हैं एक्सचेंज की वैल्यू फ़ाइव है तो ये फ़ाइव जो है ये डेस्टिनेशन को साइन हो जाएगा डेस्टिनेशन में नई वैल्यू फाइव आ गई और प्रीवियस वैल्यू जो टू है वो रिटर्न हो जाएगी तो ये इस तरह का फंक्शन है आप मुख्तलि एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं जो इस ऑपरेशन के थ्रू भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इन्फोर्स कर सकते हैं